नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हमें टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। दोस्तों आज है भैया दूज, तो आज मैं जो है कि भैया दूज का पूजा करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैं भैया दूज का पूजा करती हूँ। तो भैया दूज का पूजा करने के लिए जो है कि दिवाली के दिन ही ये जो भणेहर होता है, हम लोगों के यहाँ इसे भणेहर बोलते हैं, तो दिवाली के दिन ही ये भरा जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पूजा करने। दोस्तों भैया द्वीज का पूजा करने के लिए यहाँ पर मैं देखिए एक चौकी ली हूँ और इस पे एक पीला पेपर बिछा दी हूँ और श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति रखी हूँ और एक यहाँ पर और पोस्टर रखी हूँ, इसमें कार्तिकेय और गणेश जी लक्ष्मी जी हैं। और देखिए पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पर दीपक जो है कि रखा हुआ है और अष्टकमल दल बनाई हूँ और ये ग्वालिन होता है हमारे यहाँ, इसे ग्वालिन बोलते हैं, ग्वालिन भी रखी हूँ। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी को गंगा जल से स्नान कराऊंगी और अपने भी स्नान करूंगी, गंगा जल से शुद्ध करूंगी और इसके बाद दीपक जलाऊंगी और श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजा होता है तो मैं सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजा करूंगी, इसके बाद और सर्व देवताओं का पूजा करूंगी। तो दोस्तों पूजा करने के लिए मैं अक्षत और दूर्भा घास से जो है कि चढ़ाऊंगी गणेश जी और लक्ष्मी जी को, इसके बाद चंदन का टीका लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी और चुनरी चढ़ाऊंगी, वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र चढ़ाऊंगी और भगवान जी को माला पहनाऊंगी। इसके बाद सभी दीपक को जला देती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं भरेहड़ को भर कर तैयार कर दी हूँ। एक में जो है कि वो धान का लावा होता है ना, वो भरा जाता है और दूसरे में मैं तो भरती हूँ चूरा, और आप लोग जैसे बहुत लोग धान भी भरते हैं लेकिन मैं तो चूड़ा ही भरती हूँ। और जो तीसरा भरेहड़ है उसमें चना और सुपारी, पान का पत्ता और चीनी वाला एक मिठाई होता है वो भरती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अगरबत्ती जला दी हूँ और दीपक जला के पूजा कर ली हूँ। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं जो है कि हवन करने। तो हवन करने से पहले यहाँ पर शुद्ध करेंगे ज़मीन को और इसके बाद यहाँ पर अक्षत और दुर्भा घास चढ़ाएंगे और जो टीका लगाएंगे। इसके बाद हवन करने के लिए यहाँ पर मैं कपूर जलाई हूँ और घी डाल देती हूँ, इसके बाद जो है कि हवन करती हूँ। तो दोस्तों 5 बार मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद गंगा जल से चारों तरफ घुमा के पानी से आचमन लूँगी, उसे हम लोग आचमन कहते हैं। और इसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान जी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करिएगा और हमारा पूजा सफल करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से दिवाली के दिन का पूजा समाप्त होता है और लास्ट में श्री गणेश जी की आरती करेंगे। तो देखिए गणेश जी की आरती करने के लिए यहाँ पर मैं दीपक जला ली हूँ और गणेश जी लक्ष्मी जी की आरती करूँगी। दोस्तों पूजा करने के बाद मैं बाहर चलती हूँ अपने आंगन में और ये देखिए दोस्तों मेरे नए घर का नज़ारा रात में कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए सब लोग दीपक जलाए हुए हैं रूम में और घर में भी, और घर को अच्छे से सजाए हुए हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा नया घर। और चलिए चलती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए रंगोली बनाया गया है तो मैं रंगोली के पास चलती हूँ। तो देखिए दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि ये रंगोली आप लोगों को कैसा लग रहा है। दिवाली के दिन रंगोली ज़रूर बनाया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने मिलकर रंगोली बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत रंगोली है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये रंगोली। तो दोस्तों दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं गाय के गोबर से लीप ली हूँ
और लीपने के बाद गाय के गोबर से ही वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं वर्गाकार आकृति बना ली हूँ और इस आकृति में पोखरा और कुआँ और जो है कि बिच्छू सांप ये सब आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए मैं ये सब बनाई हूँ और इसके बाद बीच में एक ईंटा रखा जाता है और इसके बाद इसमें ये पुराने ज़माने के लोग यूज करते थे पहले मूसर इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे मूसर ही बोलते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। दोस्तों दिवाली के दिन जो मैं हरिहर को भरी थी इसे मैं बाहर ले आती हूँ और ये जो छोटी छोटी आकृति बनाई हूँ इसमें रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं गंगा जल ली हूँ, तो सबसे पहले गंगा जल से इसे शुद्ध करती हूँ। और यहाँ पर देखिए श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति भी रखी हूँ, तो सबसे पहले मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा कर लेती हूँ और इसके बाद पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को अच्छा चढ़ाऊँगी और इसके बाद टीका लगाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी और श्री गणेश जी को माला चढ़ाऊँगी और इसके बाद गोवर्धन पूजा करती हूँ। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा में 5 कहानियाँ भी कही जाती हैं, तो देखिए हमारी मम्मी कहानी कह रही हैं तो मैं आप लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे हम पूजा कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है कि देखिए एक ग्वालिन रखी हूँ, इसमें जो है कि दिया और कपूर और धूप जला देती हूँ। और दोस्तों देखिए एक कहानी ख़त्म होने के बाद फूल और चावल इसमें छिड़क देते हैं जो है कि ताकि एक जो है कि कहानी समाप्त हो गई। तो इसमें 5 कहानियाँ कही जाती हैं और 7 कहानियाँ कही जाती हैं, तो लेकिन हम लोग 5 ही कहानी कहे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर रुई ली हूँ। दोस्तों भैया दूज का पूजा करने के लिए आय जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आय जोड़ने के लिए मैं रुई ली हूँ। यहाँ पर हल्दी ली हूँ, हल्दी को मैं पीस ली हूँ। अनामिका और अंगूठा दोनों अंगुलियों की सहायता से इस तरह से आय जोड़ा जाता है। तो 5 राउंड मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक ही भाई हैं, जिसके पास जितने भाई होते हैं उतने 5 राउंड बनाना पड़ता है। अगर आपके पास 2 भाई हैं तो 10 राउंड बनाना पड़ेगा, अगर 3 भाई है तो 15 राउंड बनाना पड़ेगा। तो मैं 5 राउंड बनाऊंगी। तो देखिए मैं आय जोड़ ली हूँ, जब दीपक बुझ जाएगा तो फिर से दीपक जलाना पड़ेगा। तो देखिए मैं दीपक जला देती हूँ और अगरबत्ती भी जला देती हूँ, तो काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों ये पूजा करने में। तो सब पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर हवन करूँगी, हवन से सर भी पूजा सफल होती है। तो इसलिए मैं कोई भी पूजा करती हूँ लास्ट में हवन ज़रूर करती हूँ। तो हवन करने से पहले मैं यहाँ पर दुर्भा घास और अच्छत चढ़ाऊँगी और इसके बाद टीका लगाऊँगी, फिर हवन करूँगी। तो यहाँ पर हवन करने के लिए मैं आम का लकड़ी ली हूँ, जो है कि आम के लकड़ी से ही हवन किया जाता है। तो अब देखिए हवन करने के बाद मैं ये जो आकृति छोटी छोटी बनाई हूँ, देखिए ये कुआँ है और पोखरा है, तो इसमें मैं दूध चढ़ा देती हूँ, गाय का दूध है, और गंगा जी को पियरी चढ़ा देती हूँ। तो देखिए जितनी भी आकृतियाँ बनाई हूँ सबको दूध चढ़ा देती हूँ, ये गाय का दूध है। तो दोस्तों ये पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं अकेली ही करती हूँ अपने घर, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही ये आकृति बनाकर अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं माला चढ़ाऊँगी और देखिए सब कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों। लास्ट में ये जो आय जोड़ी हूँ यहाँ पर इस आकृति में रख देती हूँ और इसके बाद देखिए ये है चना और सुपारी, यही भाई को खाने के लिए दिया जाता है। तो इसे जो है कि मूसर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ 5 बार छुआ कर जो है कि। तो इसी तरह से दोस्तों ये पूजा समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुना देती हूँ, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन बहुत ही छोटा कहानी है और बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो 5 कहानियाँ कही जाती है, तो होता है कि और छोटा छोटा कहानी कहें ताकि जल्दी से जो है कि समाप्त हो जाए। दोस्तों पूजा करने के बाद ईंट पर मूसर को रख कर ये आकृति के बाहर ही 5 राउंड लगाया जाता है और 5 राउंड लगाने के बाद इसी मूसर को पकड़कर ये आकृति को
जो है कि इस पार आना पड़ता है। तो देखिए मुझे डर लग रहा है, देखिए मैं कैसे चल रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ। साड़ी में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, मैं बस वीडियो बनाती हूँ तभी साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद जो है कि सूट ही घर पर पहनती हूँ, तो आदत नहीं है। तो देखिए मैं किस तरह से इस आकृति को पार कर गई, और इसके बाद इसी मूसर की सहायता से एक ही बार में इस ईंट को तोड़ना रहता है। तो देखिए मैं जो है कि ये पान और सुपारी जो रखी हूँ, चना, इसको जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ और एक ही बार में जो है कि ईंटा को तोड़ लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए गोम और ये भटकैया बोलते हैं, इसका कांटा है, जितने भाई रहते हैं जीभ में उतनी बार कांटा को चुभाना पड़ता है। तो मेरे पास एक भाई हैं, तो मैं एक ही बार जो है कि चुभाऊंगी और इसके बाद जो है कि प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को अपने भाई से मिलवाती हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरे भाई हैं, ये बहुत ही शर्माते हैं, देखिए कैमरे में आने से बहुत ही हिचकिचा रहे थे, आप लोगों से कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं इनका सबसे पहले दीपक जला के आरती करती हूँ। आरती करने के बाद जो है कि इन्हें चंदन लगाऊंगी और इसके बाद मिठाई खिलाऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन जो है कि भैया दूज का पूजा करते हैं, इसी तरह से करते हैं कि कुछ अलग तरीके से करते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप लोग, और हमारा पूजा आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे भाई मेरे घर पर ही आए हैं, क्योंकि हमारी छोटी ननद का आज एंगेजमेंट है, तो ये मिठाई एकादशी के पहले ही खिलाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा मौका था। तो मैंने अपने भाई को बुलाया हुआ था कि आ जाइएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मायके नहीं आ पाऊँगी, तो आप ज़रूर आइएगा। तो देखिए मेरे भाई आ गए हैं, तो मैं इन्हें मिठाई खिला देती हूँ, और बहुत सारे मेहमान लोग भी आए हुए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि भाभी लोग इधर उधर हैं और दीदी लोग भी आए हुई हैं। तो आज का हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।